शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को चैलेंज कर दिया, शाहीन अफरीदी का पसंदीदा बॉलर कौन? शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं शाहिद अफरीदी की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए दो साल कबल जब पीएसएल में शाहिद अफरीदी को आउट किया था तो मैंने जश्न नहीं मनाया था क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं। शाहीन अफरीदी पीएसएल 5 में बाबर आजम को आउट ना करने पर अफसरदा हो गए। शाहीन अफरीदी का फेवरेट बॉलर कौन है और बाबर आजम के मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा, ये तमाम तफसील आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को मजीद सुनने से पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी शाहीन अफरीदी के सच्चे फैन हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद क्रिकेट और पाकिस्तान टीम से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार कहा जाता है और सिर्फ 20 साल की उम्र में तीनों फॉर्मेट में इतनी शोहरत हासिल करना बड़े एहसास की बात है। वर्ल्ड कप की तारीख में महज 19 साल की उम्र में 5 विकेट लेने वाले वो दुनिया के वाहिद बॉलर भी हैं, जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेटें हासिल की थी। शाहीन अफरीदी ने पीएसएल 5 में भी शानदार बॉलिंग की और टूर्नामेंट के दूसरे बेहतरीन बॉलर और विकेट टेकर भी रहे। शाहीन अफरीदी ने पीएसएल 5 में 9 मैचेस में 13 विकेटें हासिल की, मगर उन्हें बाबर आजम की विकेट पीएसएल 5 में न मिल सकी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। शाहीन अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम को आउट करना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसकी विकेट हासिल करने में नाकाम रहा। शाहीन अफरीदी ने कहा कि पीएसएल के इवेंट में मैंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया, लेकिन बाबर आजम ने मुझे विकेट लेने का कोई मौका ही नहीं दिया, मगर अब मेरी ख्वाहिश में इजाफा हो गया है और इंशाल्लाह पीएसएल 5 का फाइनल अगर कराची और लाहौर के दरमियान होता है तो मैं बाबर आजम को जरूर आउट करूंगा। शाहीन अफरीदी से जब उनके आइडियल बॉलर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वसीम अकरम और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को अपना फेवरेट बॉलर करार दिया। शाहीन अफरीदी ने कहा कि मिचेल स्टार्क की बॉलिंग देखता हूं और जिस तरह वो गेंद को स्विंग करते हैं वो सीखने की कोशिश करता हूं, जबकि वसीम अकरम जैसी थोड़ी सी भी खूबियां या स्विंग मेरे अंदर आ गई तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी और बॉलिंग करने का मकसद पूरा हो जाएगा। आपके ख्याल से शाहीन अफरीदी का बाबर आजम को पीएसएल में आउट करने का ख्वाब पूरा हो पाएगा या नहीं और पीएसएल 5 का फाइनल किन दो टीम्स के दरमियान होना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मजीद क्रिकेट और पाकिस्तान टीम से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जज़ाकअल्लाह।